आरिफ, मैं तुम्हारी कंटेंट देख रहा हूँ, किलर कंटेंट बना रहे हो तुम आजकल। माशाल्लाह से इसी तरह लगे रहो और ओरिजिनल रहो और रियल रहो। और तुम्हें मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ऑस्टिन क्लियोन की एक बुक है। और भी इसी इसके तीन और भी बुक है, वो भी कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकिंग और आर्टिस्ट के लिए। मगर तुम ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक पढ़ो और फिर देखना, तुम मुझे दुआ करोगे। First of all, thank you everyone for supporting me and subscribing to my channel. पिछले 2 वीक्स में बहुत सारे नए लोग आए और आप लोग को तो मैं जानता हूँ, अक्सर मुलाकात होती है लेकिन अपना इंट्रोडक्शन नहीं हुआ कभी. Well, I make commercial video ads, promotional videos, interviews, etc. अपार्ट फ्रॉम दिस, फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है, मेरा शौक है फोटोग्राफी. अब दुबई में पकौड़ों की दुकान तो है नहीं हमारी, और पकौड़े बनाना भी नहीं आते. सो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड. 2012 या 2013 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया साइंसेज इन इकरा यूनिवर्सिटी. और इकरा यूनिवर्सिटी में उस वक्त 2 मीडिया के टॉप टीचर्स थे, और वो टीचर्स नहीं, आर्टिस्ट थे. लिटरली देवर आर्टिस्ट, सर लतीफ़ अब्बासी और सर अता सैयद. मैं जिस बैच में था तो मुझे अता सैयद पढ़ा रहे थे, और वहाँ फर्स्ट टाइम आई सॉ आमिर भगत. आमिर भगत हमारे बैच के नहीं थे, लेकिन आमिर भगत वॉज आवर सीनियर. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया साइंसेज फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, और उस वक्त वो एज अ विजिटिंग फैकल्टी बच्चों को पढ़ाते थे क्रिएटिव स्टफ, और जो मोस्टली वो अपने चैनल पे करते हैं वो इकरा यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ाते थे. आमिर भाई को हमारे सारे बैच के लोग सर लतीफ़ अब्बासी का राइट हैंड बोलते थे, और आपका भाई भी उस वक्त मशहूर था, आपके भाई के शश के थे, काम पहले से कर रहे थे ना इस वजह से, और सर अता सैयद का फेवरेट स्टूडेंट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो आमिर भाई को देख के ना दिल में एक राइवलरी आती थी कि यार इस बंदे की इतनी तारीफ़ें होती हैं, इतना क्रिएटिव बंदा है, हर कोई आमिर भाई के बारे में बात कर रहा है. ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता था या अपने आप को कुछ समझता था, नहीं, मैं आमिर भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जब भी मैंने उनसे बात की है मैंने उनसे सीखा है बहुत कुछ, और मैंने हमेशा उनको एक सीनियर समझा है और आज भी समझता हूँ. क्योंकि मैं पहले से इस चीज़ में काम करता था तो मुझे इंटरेस्ट भी इसी चीज़ का था, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, सब चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो आई वॉज़ प्रिपेयर्ड इन माई माइंड के अगर मौका मिला या अगर ज़रूरत पड़ी तो आई एम अप फॉर अ चैलेंज. और वैसे भी आपको अपने सीनियर्स को एज अ कॉम्पिटिशन ही देखना चाहिए, एक तरफा ही सही, लेकिन उससे जो आपको इनक्रेजमेंट मिलती है और आपके अंदर जो एक स्पार्क उठता है ना क्रिएटिविटी का, वो आपको कहाँ ले जाता है आपको नहीं पता चलता. और मेरा सीन वो था, एक स्टोरी सुनाता हूँ, कि सबमिशंस के टाइम पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि पूरी क्लास गैदर होती है सुबह, और जिस जिस का सबमिशन होता जाता है वो निकलता जाता है, क्योंकि सबमिशन के लिए मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि ऑफ डे है, कि हमारा अल्लाह करे हमारा जल्दी से नंबर आ जाए, पहले नंबर पर फटाफट सबमिशन दें और निकल लें, सुबह जाके नाश्ता करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, तफरी करें. मैं क्योंकि सर अता सैयद के साथ साथ अपने पूरे बैच का फेवरेट था, तो हमेशा सबमिशंस के टाइम पर मेरा नंबर सर पर्पसली सबसे एंड में रखते थे कि मेरा सबमिशन सबसे लास्ट में होगा. उस चक्कर में पूरी क्लास बैठी होती थी देखने के लिए कि मैंने क्या बनाया है. और मैं सर अता सैयद के साथ इतना क्लोज था, और अब वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे, उनको मेरा काम इतना पसंद आता था, कि एक दफ़ा आई रिमेंबर कि मैं अपने दोस्त के पास गया, क्योंकि हम लोगों की सबमिशंस की डेट करीब थी, तो मेरे दोस्त ने उससे बोला कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये प्रीमियर प्रो क्या होता है क्या नहीं होता, तो मुझे थोड़ी हेल्प कर दे. मैंने कहा जानी हेल्प क्या, तेरा भाई पूरी वीडियो बना देगा तेरे लिए. मैंने उसके साथ बैठकर उसकी वीडियो एडिट करी. अब बात वही है ना, भाई का शशका तो आ गया, सर ने जब वो वीडियो देखी वो पकड़ लिया.
बोले ये तो हारिस का काम है, और उस चीज़ पे मुझे सस्पेंड होने की वार्निंग तक मिली। मैंने बोला भाई खली वली दोस्त, हम शरीफ आदमी हैं, हमें जो है ना पढ़ाई करनी है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, हम सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं वीडियोस बहुत देखता था क्योंकि मेरी फील्ड भी यही थी वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे इंस्पिरेशन लेनी थी, मूवीज़ बहुत देखता था, सीरीज़ बहुत देखता था। तो उस टाइम पर आई यूज़ टू वॉच इरफान जुनेजोस व्लॉग्स, तकरीबन सारे ही देखता था और मुझे बड़ा मज़ा आता था। वो भले एक टेबल पे बैठ के बात भी कर रहा है ना, तो मेरी सारी अटेंशन उसको सुनने में होती थी। ही इज़ अ वंडरफुल स्टोरी टेलर, ही इज़ ग्रेट। उसने थ्रू आउट द ईयर्स अपने आप को किस तरह डेवलप किया, ही हैज़ अ पर्सनैलिटी आई वुड से। और जिस दिन मैंने आमिर भगत को इरफान जुनेजो के व्लॉग्स में देखा ना, मैंने कहा व्हाट, आमिर भाई ऑन यूट्यूब, आपसे तो हमारा पुराना रिश्ता है एक तरफा ही सही। तो उस वक्त मुझे वो जो स्पार्क होता है ना वो दोबारा हुआ, उस वक्त मुझे स्पार्क हुआ और मुझे हुआ कि यार आई हैव ऑल द इक्विपमेंट, मेरे पास स्किल्स हैं, सारा सामान है जो नेसेसरी सामान चाहिए होता है, आई एम प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर अदर पीपल, व्हाई कैंट आई टेक टाइम टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर माई सेल्फ। और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि भाई YouTube चैनल अपना खोलते हैं। और उस वक्त मेरा YouTube खोलने का मकसद ये नहीं था कि मुझे कंपटीशन करना है किसी के साथ, या मुझे किसी के साथ रिवेलरी करनी है या व्हाटसोएवर। मेरा मकसद था कि आई वांटेड टू शो यू गाइस व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। और यकीन करो लिटरली लाइक इरफान जुनेजो के व्लॉग में जब मैं आमिर भाई को देखता था, तो आमिर भाई की वजह से वो एक, क्योंकि मैं उनको यूनिवर्सिटी में एक टाइम देखा है मैंने उनको, तो उनकी वजह से ऐसा लगता था कि ये लोग यूट्यूबर्स नहीं हैं या ये लोग मशहूर वीडियोग्राफर्स नहीं हैं, ये बराबर वाले अपार्टमेंट के लड़के हैं और इनको तो मैं जानता हूँ, वो वाली फीलिंग थी। 2019 में कंटेंट क्रिएटर्स का एक मीटअप हुआ था कराची में और एक सीरीज़ चलती थी जिसमें स्पेसिफिक, उस वक्त मैं कराची में था और मेरा बहुत दिल था आने का, आपको मैं बता नहीं सकता, मेरा बहुत दिल था आने का। आदिल ने मुझे बहुत फोर्स किया, उसने मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स किए, उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि यार हारिस भाई आ जाओ, हारिस भाई आ जाओ, क्योंकि आदिल से मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, वो मेरा दोस्त भी है। लेकिन मसला ये था कि मेरी उस वक्त फ़्लाइट थी, उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी और मुझे वापस जाना था। तो सारी बात यह है कि इरफान जुनेजो हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट, इरफान जुनेजो। और ये मैंने अपने शुरू के पहले व्लॉग में भी कहा है कि इरफान जुनेजो, जैद अली थोड़ा बहुत, और मैं इन लोगों की वीडियोस देखता था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था, मतलब अटेंशन ना सारी वहीं रहती थी। तो उस टाइम पर कोई और यूट्यूबर था नहीं, इरफान इज़ द वन जो कि ये ट्रेंड लेकर आया है पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉगिंग का। मैं भी उससे इंस्पायर हुआ, ऑफ कोर्स मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो ये ट्रेंड बन गया यूट्यूब पे, एक अचानक से जो है ना एक बारिश हो गई ब्लॉगर्स की। सो जॉनी कैरसन ट्राइड टू बी जैक पेनी एंड एंडेड अप जॉनी कैरसन, एंड डेविड लेटरमैन ट्राइड टू कॉपी जॉनी कैरसन एंड एंडेड अप डेविड लेटरमैन, एंड कोनैन ओब्रायन ट्राइड टू बी डेविड लेटरमैन एंड एंडेड अप कोनैन ओब्रायन। तो एट सम पॉइंट यू माइट फील दैट आई एम लाइक इरफान जुनेजो, बट ट्रस्ट मी आई एंड अप बीइंग मोहम्मद हारिस उर्फ। तो आज मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना सारी, इस सब की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है ये, आदिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आदिल एचके टीवी से, उसने मुझे ये रेकमेंड करी बुक, उस्मान भाई ने रेकमेंड करी मुझे कमेंट्स में ये बुक, एंड टुडे आई फाइनली गॉट दिस बुक। मैंने ऑनलाइन बहुत जगह सर्च करा, डिलीवरीज बहुत देर में आ रही थी, मतलब दो हफ्ते बाद, और मेरे अंदर ना कीड़ा है, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए ना तो बस अभी चाहिए। आई वेंट ऑल द वे टू दुबई मॉल, वहाँ पर एक स्टोर है, बहुत बड़ा बुक स्टोर है, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, केनू केनिया करके कुछ ऐसा है, वहाँ से मुझे ये बुक मिली। एंड ट्रस्ट मी
मैंने इसके अभी तक सिर्फ 20 पेजेस पढ़े हैं, 20 या 25 पेजेस पढ़े हैं, एंड दिस बुक हैज़ चेंज्ड मी अ लॉट। मैं अपने अंदर एक डिफरेंट पर्सन फील कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुक। मॉल्स वगैरह में मुझे जाना टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है, मेरा कोई दोस्त आता है या कभी कुछ लेना है हमें मॉल जाना पड़ता है, लेकिन मॉल ना जाने की वजह है ये। अभी बताओ, इतना मॉडर्न मॉल है, क्या करें आपका भाई, क्या करूं मैं, करूं तो क्या करूं। और इस सब की वजह से आई वॉन्टेड टू से थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू सो मच उस्मान भाई, एंड थैंक यू सो मच लड़के।